सोनभद्र की शक्तिनगर सोनांचल संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग धरने पर बैठे। दूधदी एसडीएम द्वारा अचानक क्षेत्र में धारा 144 लगा देने या तथाकथित संगठनों को आंदोलन रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दिया। वहीं पर आक्रोशित परिक्षेत्र के लोग सामूहिक भूख हड़ताल पर शासन प्रशासन के टकराव में बैठे हैं। वहीं पर आरोप लगाते हुए सोनांचल संघर्ष वाहिनी के संयोजक रोशनलाल यादव ने कहा कि पिछले कई बार उन लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन शासन प्रशासन की मिलीभगत से एक दिन पहले धारा 144 लगा दी गई। अभी ट्रेन आई है, निजियार कंपनी मुर्दाबाद, एमसीएल प्रबंधन मुर्दाबाद, क्षेत्रीय बेरोजगारों को एनसीएल की निजी कंपनियों में प्राथमिकता के आधार पर उनको नौकरी दिलाने के लिए संविदा श्रमिक के रूप में समायोजन करने के लिए। आप लोग कई बार अनशन कर चुके हैं और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, क्या शासन प्रशासन द्वारा कोई अभी तक उचित कार्रवाई किया गया कि नहीं? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनभद्र जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला राज्य जिला है और इस जिले में एक दर्जन से ज़्यादा सरकारी गैर सरकारी कल कारखाने बने हैं, जहाँ की जल जंगल जमीन सब कुछ लेकर के यहाँ के लोगों को रोजगार के नाम पर चपरासी तक की नौकरी नसीब नहीं है। सारे कल कारखानों में दूसरे प्रांतों के लोग भरे हुए हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ की जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, उन आउटसोर्सिंग कंपनियों में यहाँ पर एनसीएल के एनआईटी के समझौते के आधार पर 80% यहाँ के क्षेत्रीय बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दे। 9 जून के सामूहिक भूख हड़ताल को जिला प्रशासन, एनसीएल प्रबंधन सब लोगों ने मिल करके एक गहरी साजिश के तहत भूख हड़ताल करने वालों को इन लोगों ने एक लाली पाप देकर कि कोई गाइडलाइन बनाएंगे, उस गाइडलाइन के आधार पर यहाँ के लोकल को हम रोजगार देंगे, लेकिन इनकी गाइडलाइन नहीं बनी। ये जैसे चल रहे थे और यहाँ पर जैसे जनप्रतिनिधि कोटा, जो फर्जी टाइप का कोटा है, गैर कानूनी कोटा है, उसके तहत ये रोजगार को बेचने का काम किया जा रहा है इस जनपद में। बीजीआर कंपनी जब तक यहाँ के क्षेत्रीय बेरोजगारों को नौकरी में समायोजित नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे कुछ भी हो, ये आर और पार की लड़ाई है। Thank you.